आज ही विश्व विजेता बना था भारत, खत्म हुआ था 28 साल का सूखा। साल 2011 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट में पड़ा 28 साल का सूखा खत्म हुआ था। 2011 में 2 अप्रैल को ही भारत ने श्रीलंका को हराकर दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। साल 2011 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट में पड़ा 28 साल का सूखा खत्म हुआ था। 2011 में 2 अप्रैल को ही भारत ने श्रीलंका को हराकर दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। भारतीय टीम की इस शानदार जीत का गवाह मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम और वहां बैठे सभी लोग बने थे। फाइनल मैच की बात करें तो जहीर खान, गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी उसके हीरो रहे थे। जहीर ने गेंदबाजी तो धोनी और गंभीर ने बल्लेबाजी से फाइनल में जीत पक्की की। सीरीज की बात करें तो युवराज सिंह इसके हीरो थे। विराट कोहली ने इस इवेंट में ही अपने वनडे इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी लगाई थी। फाइनल मैच में धोनी का वो छक्का शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी भूल पाया। तब भारत को जीत के लिए 11 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे, तब धोनी ने सिक्स लगाकर कप को भारत के नाम कर दिया था। ऐसा रहा था मैच। वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में श्रीलंका ने 274 रन बनाए थे। इसमें महिला जयवर्धने के 103 रन शामिल थे। जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी और उसने 31 रन पर 2 विकेट खो दिए थे। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर पवेलियन लौट चुके थे। गौतम गंभीर और विराट कोहली ने तीसरे विकेट के लिए 83 रनों की साझेदारी की। इसके बाद 22वें ओवर में कोहली भी आउट हो गए। इसके बाद चौथे विकेट के लिए धोनी ने गंभीर के साथ मिलकर 109 रनों की पार्टनरशिप की। गंभीर 97 रन बनाकर आउट हुए। देखने लायक था जस्ट। धोनी ने यूवी के साथ मोर्चा संभाला और नावाद 54 रनों की साझेदारी करते हुए टीम इंडिया को विश्व विजेता बना दिया। यूवी 24 गेंदों पर 21 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि धोनी ने 79 गेंदों में 8-4 और 2-6 की मदद से 91 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारतीय क्रिकेट टीम 28 साल बाद वनडे चैंपियन बनी थी और फैंस जश्न में डूब गए थे। सचिन तेंदुलकर का विश्व विजेता बनने का सपना पूरा हो चुका था। टीम ने मास्टर ब्लास्टर को कंधे पर बिठाकर स्टेडियम का चक्कर लगाया। क्रिकेट टीम के साथ साथ खेल प्रेमियों की आंखों में भी उस दिन खुशी के आंसू थे। सचिन तेंदुलकर को सम्मान देते हुए जब टीम ने उन्हें कंधों पर उठाकर पूरे मैदान में घुमाया तो वो सबको रोमांचित कर देने वाला पल था।